हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे त्रिफला पाउडर यानी कि त्रिफला चूर्ण के बारे में कि क्या इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, क्या स्वास्थ्य लाभ होते हैं त्रिफला पाउडर के। तो आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये त्रिफल कंपनी की तरफ से आने वाला त्रिफला पाउडर है जिसका अनुपात है 1:3, जिसका मतलब ये होता है कि इसमें जो आंवला मिलाया गया है ये हरण की तुलना में 3 गुना है और जो इसमें बहेड़ा मिलाया गया है वो हरण की तुलना में 2 गुना है। अब इसको और ज़्यादा मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूं तो अगर हमें 600 ग्राम त्रिफला पाउडर बनाना हो और हमें अनुपात रखना हो 1:3 का, तो ऐसे में हमें ज़रूरत होगी 300 ग्राम आंवला के पाउडर की और 200 ग्राम बहेड़ा के पाउडर की और 100 ग्राम हरण के पाउडर की। तो इस तरह से बन जाएगा त्रिफला पाउडर 1:3 अनुपात वाला। और ये जो अनुपात होता है ये सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आइए हम बात करते हैं त्रिफला के हेल्थ बेनिफिट्स यानी कि स्वास्थ्य लाभों के बारे में। तो त्रिफला में मौजूद होती हैं एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ जो कि इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करती हैं, इन्फ्लामेशन को रोकने का काम करती हैं और हमें कई तरह की क्रोनिक डिजीज़ के रिस्क से बचाती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, अर्थराइटिज़, इसके अलावा कई तरह के कैंसर। तो इस तरह की बीमारियों के जोखिम को भी कम करने का काम करता है त्रिफला, क्योंकि ये कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी से भरपूर होता है। इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में इसमें विटामिन सी मौजूद होता है क्योंकि इसमें आंवला मिलाया जाता है और आंवला की मात्रा क्योंकि 1:3 के अनुपात में बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में इसमें विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स हमें कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं, खास करके क्रोनिक डिजीजेस से, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी जानकारी दी थी। त्रिफला हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है, मतलब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे कि हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने में और ज़्यादा सक्षम हो पाता है और ज़्यादा शक्तिशाली हो पाता है। और त्रिफला के इस्तेमाल से कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, मतलब कि कब्ज़ की बीमारी ठीक हो जाती है। और कितना ही पुराना कब्ज़ क्यों ना हो, अगर हम त्रिफला का इस्तेमाल सही से करें तो कब्ज़ की बीमारी दूर हो जाती है। इसके अलावा इनडाइजेशन यानी कि अपच की समस्या को भी त्रिफला दूर करता है। त्रिफला हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर देता है, मतलब कि हमारे पाचन तंत्र को सुधार देता है, जिससे कि जो हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जो अपच की समस्या होती है वो दूर हो जाती है, तो जिससे कि खाना अच्छे से पच पाता है। इसके अलावा त्रिफला गैस की समस्या में भी काम करता है, ये गैस की समस्या को भी दूर करता है और पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उन सब में ये काम करता है। और पेट से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों में त्रिफला काम करता है, चाहे वो अल्सर क्यों ना हो। ये हमारे कोलन यानी कि आंत को साफ करने का काम करता है, हमारे पेट से गंदगी बाहर निकालने का काम करता है। और जैसा कि आपको पता है कि पेट अगर सही नहीं होता है तो उससे में कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, कई तरह की बीमारियां उससे पैदा होती हैं। तो ये हमारे पेट को साफ रखने में मदद करता है, जिससे कि हम कई तरह की बीमारियों से बचे रह सकते हैं। इसके अलावा ये लीवर फंक्शन को भी इम्प्रूव कर देता है, मतलब कि हमारे लीवर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा ये ब्लड शुगर लेवल्स को भी रेगुलेट करता है, मतलब कि ब्लड शुगर लेवल को भी बराबर रखने में मदद करता है, शुगर को ज़्यादा नहीं होने देता है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है और ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करता है। ये हमारे बालों और हमारी त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, इससे हमारे बाल स्वस्थ रहते हैं, हमारे बाल हेल्दी रहते हैं और जो बालों की अलग अलग प्रकार की समस्याएँ होती हैं वो भी ठीक हो जाती हैं, जैसे कि बाल का झड़ना या फिर बाल सफ़ेद होना उम्र से पहले ही। तो इस तरह की समस्याओं में भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ये बालों को हेल्दी बनाए रखने में, स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा ये हमारी स्किन यानी कि त्वचा के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी कि जो त्वचा से जुड़ी बीमारियाँ होती हैं उनको दूर करने में मदद करता है और साथ ही हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। और ये एजिंग यानी कि बुढ़ापे को भी रोकने में मदद करता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। तो इस तरह से ये हमारी स्किन को भी हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। तो जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि दाग धब्बे या फिर पिंपल्स या फिर दाने निकल आना या फिर झुर्रियाँ होना, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी ये दूर करने में मदद करता है। और ये हमारे दांतों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा त्रिफला का एक और भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है और इस फायदे के लिए काफ़ी सारे लोग त्रिफला का इस्तेमाल भी करते हैं कि ये हमारी आई साइट को इम्प्रूव कर देता है, हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ा देता है और आँखों से जुड़ी हुई जो बीमारियाँ होती हैं उनको भी ये दूर करने का काम करता है। तो इसके इस्तेमाल से हमारी आँखों की रोशनी भी बढ़ती है और आँखों से जुड़ी हुई बीमारियाँ भी दूर होती हैं और आँखों से जुड़ी हुई बीमारियाँ जो होती हैं उनसे भी हम बचे रह सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग अपनी आई साइट यानी कि आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए भी त्रिफला का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये थे त्रिफला के फ़ायदे। वैसे तो त्रिफला के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसको हम एक छोटे से वीडियो में कवर नहीं कर सकते, इसके लिए हमें एक बहुत लंबे वीडियो की ज़रूरत होगी या फिर कई सारे वीडियोस की ज़रूरत होगी, तब जा कर के कहीं हम इसके सारे फ़ायदे आपको गिना सकते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे खास फ़ायदे थे जिनके बारे में आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और अब आइए बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है। तो इसका इस्तेमाल हम चाहे तो 2 टाइम पर कर सकते हैं, सुबह और शाम में।
सुबह के टाइम में खाली पेट इसका इस्तेमाल करना बहुत अच्छा माना जाता है, और गुड़ या फिर शहद के साथ में अगर हम इसका इस्तेमाल करें सुबह में तो ये हमारे लिए बेहतर होता है, ज़्यादा ये हमें फ़ायदे पहुँचाता है। लेकिन अगर गुड़ या फिर शहद मौजूद नहीं है तो ऐसे में हम बिना गुड़ या फिर शहद के भी इसका सेवन कर सकते हैं। कैसे इसका इस्तेमाल करना होता है, तो हमें 3 से 5 ग्राम त्रिफला पाउडर लेना होता है, मतलब कि आधा से एक छोटा चम्मच त्रिफला पाउडर लेना होता है, और अगर हमारे पास गुड़ या फिर शहद मौजूद है तो उसमें मिला करके खा लेना होता है, और साथ में गुनगुना पानी पी लेना होता है। तो इस तरह से हम सुबह में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और खाली पेट इस्तेमाल करेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, ज़्यादा इससे हमें लाभ होते हैं। तो रात में इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है, तो वही 3 से 5 ग्राम यानी कि आधा से एक छोटा चम्मच त्रिफला पाउडर हमें लेना है, फाँक लेना है, और उसके बाद हमें गुनगुना पानी पी लेना है या फिर गर्म दूध पी लेना है। तो इस तरह से हम रात में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो ये जनरली सेफ़ माना जाता है, लेकिन अगर आप किसी तरह की दवाएं ले रहे हों तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और इसी तरह से जो प्रेग्नेंट वीमेन है वो भी बिना डॉक्टर के सलाह के इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा इसको ओवरडोज नहीं करना है, मतलब कि इसका इस्तेमाल डोज से ज़्यादा, खुराक से ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो ये नेचुरल लेक्सेटिव होता है, इसमें लेक्सेटिव इफ़ेक्ट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से डायरिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसका इस्तेमाल खुराक में ही करना चाहिए, जो नियमित इसकी खुराक है उतना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर होता है। और अब बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, मतलब कि त्रिफल कंपनी की तरफ से आने वाले त्रिफला पाउडर के बारे में। तो मैंने कुछ छानबीन किया तो मुझे ये पता लगा कि ये जो त्रिफला पाउडर होता है 1:2:3 अनुपात वाला, ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, सबसे ज़्यादा कारगर होता है। तो मैंने फिर ये चेक करना शुरू किया कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि ये 1:2:3 अनुपात वाला त्रिफला पाउडर बनाती हैं। तो मुझे तब जाकर के पता लगा इस त्रिफल कंपनी के बारे में। वैसे तो और भी सारी कंपनीज़ हैं लेकिन मुझे उतना ज़्यादा उन पर भरोसा नहीं हुआ। अब ये जो कंपनी है ना, ये आपको पाउडर भी बेचती है, मतलब आप चाहें तो इससे पाउडर भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस कंपनी से त्रिफला साबुत भी खरीद सकते हैं, मतलब कि आंवला, बहेड़ा और हरण आपको मिल जाएगा इस कंपनी से, और आप उसको लेकर के बाद में पाउडर बना सकते हैं खुद से ही। तो इस कंपनी का पाउडर मुझे प्योर लगा और मुझे लगा कि ये जो है ऑथेंटिक है, तो मुझे परचेस करना चाहिए इस कंपनी से। वैसे इस कंपनी का पूरा नाम है त्रिफल हर्ब्स एंड स्पाइसेस, और ये कंपनी जड़ी बूटियों और मसालों का बिजनेस करती है। तो मुझे क्योंकि इनका प्रोडक्ट जेन्युइन लगा तो मैंने ये परचेस कर लिया। बाकी अगर आपको ये परचेस करना हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो अमेज़ॉन से इसको परचेस कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको टाटा 1MG से भी परचेस कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इनकी वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं, इसको आप फ्लिपकार्ट से भी परचेस कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अमेज़ॉन का, तो चाहे तो आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं। वैसे दूसरी भी कंपनीज़ हैं जो कि त्रिफला पाउडर 1:2:3 के अनुपात में बनाती हैं, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था दूसरी कंपनीज़ पे, तो इसलिए मैंने इस कंपनी का ये प्रोडक्ट चुना। और इसका प्राइस फ्लैक्चुएट करता रहता है, तो इस टाइम पे मैंने चेक किया तो 290 रुपये है। वैसे इसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के चेक कर सकते हैं कि इसका प्राइस कितना है अभी के टाइम में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को दूसरे लोगों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जिनको त्रिफला पाउडर के बारे में जानकारी ना हो उनको भी जानकारी मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।